नमस्कार सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है दोस्तों। आज 26 जुलाई फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, करके आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों पहली बड़ी खबर निकल के आई है, आपको बता दे मणिपुर में हुई हिंसा के बीच चौंकाने वाला खुलासा। खुफिया एजेंसी ने किया 700 नागरिक अवैध रूप से म्यांमार के हुए एंट्री। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आई, खुफिया एजेंसी ने कान खड़े कर दिए हैं, 700 अवैध नागरिक हुए एंट्री। दूसरी खबर चंद्रयान 3 को लेकर निकल के आई है, जहां चंद्रयान 3 ने 12वें दिन हासिल की बड़ी सफलता, बहुत बड़ी सफलता, बड़ी ही आसानी के साथ 5वीं कक्षा में किया प्रवेश। जी हाँ, इनके बारे में आपको बताएंगे। तीसरी खबर बताएंगे, लद्दाख में पहले शांति लाएंगे फिर उसके बाद लाएंगे सुधरेंगे रिश्ते। एनएसए जी डोवाल ने चीनी राजनयिक को सुनाई खरी खरी, बताएंगे क्या है पूरा मामला। अगली खबर निकल के आई है, गिराई जा रही है मस्जिदें, ठहाए जा रहे हैं इबादत गाह। पाकिस्तान में कैसे भिड़े दो मुसलमान आमने सामने, अहमदिया मुसलमान वर्सेस सुन्नी मुसलमान, बताएंगे कैसे गृह युद्ध मचा है पाकिस्तान में। अगली खबर, कब तक पाकिस्तान में रहोगी अंजू, सुरक्षा में तैनात की गई पुलिस, वैलिड पास गए सभी डॉक्यूमेंट, ये भी हम आपको बताएंगे। इस बीच तिब्बत को लेकर चीन को लगा तगड़ा झटका, दलाई लामा पर डोरे डाल रहा चीन, नई वार्ता को पूरी तरीके से हुआ तैयार तिब्बत खिसकने की कगार पर, ये भी बताएंगे। अब शहबाज भी नहीं लग रहे पाक सेना को शरीफ, भीख का कटोरा वाली बात से विवाद बढ़ी आगे, बताएंगे कैसे अब तख्ता पलट हो रहा होने वाला है। खालिस्तानियों ने भारतीय छात्रों पर किया जानलेवा हमला, बताएंगे कैसे पीटा गया है भड़का विदेश मंत्रालय। वहीं यूक्रेन में भुखमरी रूस को लेकर कुछ एक खबर आई है, फ्रांस चाइना सब कुछ देश विदेश बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। दोस्तों पहली बड़ी खबर निकल के आई है, आपको बता दें, जहां मणिपुर में बवाल के बीच खुफिया एजेंसियों का चौंकाने वाला खुलासा। मणिपुर हिंसा के बीच म्यांमार से घुस गए भारत में 700 अवैध नागरिक। जी हां, दरअसल मणिपुर की कुकी व मैतेय समुदाय के बीच जारी बवाल के बीच अब राज्य में बड़ी घुसपैठ की जानकारी सामने आ गई है। बताया जा रहा है कि म्यांमार के 700 से ज़्यादा नागरिकों ने अवैध रूप से मणिपुर के चंदेल जिले में घुसपैठ कर दी है। मणिपुर सरकार ने इस बारे में चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि असम राइफल्स ने मणिपुर में 718 शरणार्थियों के घुसपैठ की रिपोर्ट की है। मणिपुर की सरकार ने घुसपैठ पर चिंता जताते हुए इसे संवेदनशील बताया है। राज्य सरकार ने असम राइफल्स अथॉरिटी के इस बारे में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सरकार ने पूछा है कि क्या म्यांमार के नागरिकों को चंदेल जिले में प्रवेश करने की अनुमति क्यों और कैसे दी गई है। सरकार ने उन्हें तुरंत वापस भेजने की सलाह दी है। इसके लिए चंदेल जिले के SP और डिप्टी कमिश्नर को भी निगरानी रखने के साथ साथ बायोमेट्रिक रखने की भी सलाह दी गई है। आपको बता दें, मणिपुर में जातीय हिंसा भड़कने के बाद अब तक 150 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन यहाँ सीधे तौर पर जिस तरीके से 718 शरणार्थियों ने घुसपैठ की है, असम राइफल ने मणिपुर में 718 शरणार्थियों की घुसपैठ की रिपोर्ट दी है, उसके बाद से जो है वो अब घुसपैठ पर चिंता जताते हुए इसे संवेदनशील बताया है। और असम राइफल की अथॉरिटी के इस बारे में विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई और ऐसे लोगों को चिन्हित करने के आदेश दिए गए हैं। एक और खबर निकल के आई है, तो दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे संसद, कर दिया बड़ा धमाका, कहा ईस्ट इंडिया कंपनी और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में है भी है इंडिया, लेकिन वो सब हैं देशद्रोही। दरअसल आपको बता दें, इंडिया नाम रखने के बाद उछल रहे विपक्षी पार्टियों को कल संसद में पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने करारा जवाब दे दिया, जिसके बाद संसद में एक बार फिर से जमकर हंगामा शुरू हो गया है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी संसद पहुंचे और उन्होंने इंडिया इंडिया पर उछल रहे इंडिया वालों को ईस्ट इंडिया कंपनी से तुलना कर दी। आपको बता दें, PM मोदी ने सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले BJP की संसदीय दल की बैठक में विपक्षी दलों पर हमला बोला था। उन्होंने इस दौरान कहा था कि मैंने आज तक इतना दिशाहीन विपक्ष कभी नहीं देखा। इसी दौरान PM मोदी ने विपक्ष द्वारा बनाए गए गठबंधन इंडिया की भी चर्चा की थी। उन्होंने कहा था कि सिर्फ गठबंधन का नाम इंडिया लिख लेने से कुछ नहीं होता है, ऐसे में तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी अपने नाम में इंडिया जोड़ा था, इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में भी इंडिया है। तो इस तरीके की बातें कह PM मोदी ने तगड़ा और करारा जवाब दिया था। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, चंद्रयान 3 को लेकर तगड़ी खुशखबरी। जी हां दोस्तों, बधाई हो, इसरो ने दी 5वीं कक्षा में जाने की जानकारी। 12 दिन पहले चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। इसरो ने मंगलवार को चंद्रयान 3 को लेकर बड़ी अपडेट दी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को चंद्रमा की कक्षा में ऊपर उठाने की 5वें चरण की प्रक्रिया भू समीपक कक्षा के पहुंचा दिया है। मंगलवार को सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है और यह कार्य बेंगलुरु में इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क से किया गया है। इस तरीके से चंद्रयान 3 चांद के थोड़ा और करीब पहुंच गया है। इसरो ने कहा है कि यान के लगभग 1,27,609 किलोमीटर और 236 किलोमीटर कक्षा में पहुंचने में उम्मीद है।
आलोचक को अवलोकन के बाद हासिल की गई कक्षा की पुष्टि की जाएगी। चंद्रयान 3 ने 14 जुलाई को चंद्रमा की सतह के लिए उड़ान भरी थी। इसरो ने कहा है कि चंद्रयान की कक्षा में ऊपर उठाने की अगली प्रक्रिया ट्रांसलूनर इंजेक्शन TLE की 1 अगस्त 2023 की मध्यरात्रि 12 बजे से की जाएगी। तो एक तरीके से ये बड़ी खुशखबरी है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है। तो दोस्तों, पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों पर ढाया गया कहर, भिड़े अहमदिया वर्सेज सिया मुसलमान, तोड़ी गई इबादत का मीनार। पाकिस्तान में चौतरफा हाहाकार मचा हुआ है। पड़ोस मुल्क के लोग हर रोज़ अमन और चैन के लिए ऊपर वाले से गुहार करते हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में पाकिस्तान के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति पूरी तरीके से डगमगा गई है। गले तक कर्ज में डूबे पाकिस्तान के लिए देश चलाने के लिए पैसे तक नहीं है। सियासी स्तर पाकिस्तान में सरकार और विरोधी पार्टियों के बीच लगातार खींचतान की खूनी खेल चलता रहा। वहीं पाकिस्तान का समाज लगातार अल्पसंख्यकों को भी जालिम होता देखता रहा। पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। इस्लामिक देश में अल्पसंख्यक कहे जाने वाले अहमदिया मुसलमानों की मस्जिदों पर लगातार हमले हो रहे हैं। वहीं एक बार फिर से अहमदियों के प्रार्थना स्थल को निशाना बनाया गया है। तो सीधे तौर पर आपको बता दें, पाकिस्तान में ही खुद गृह युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं। एक और अपडेट, अंजू बावी जॉर्ज पाकिस्तान में गई हैं। अंजू सुरक्षा में तैनात किए गए हैं पुलिस। खबर निकल के आई है कि बन गई हैं मुसलमान, नाम बदलकर फातिमा रखा, कोर्ट नसरुल्ला से किया निकाह। दरअसल राजस्थान के भिवाड़ी में अपने पति और 2 बच्चों को छोड़कर के फेसबुक पर मिले लवर नसरुल्लाह के से मिलने पाकिस्तान पहुंच गई अंजू, निकाह कर लिया। अब तक मीडिया से बातचीत में अंजू और नसरुल्लाह शादी के इरादों से इनकार कर रहे थे, लेकिन अब खबर आई है कि दोनों ने कोर्ट में जाकर निकाह कर लिया। खैबर पख्तूनवा के अपने दीर जिले की अदालत में जाकर दोनों ने कोर्ट मैरिज की है और अब अंजू की अदालत जाने का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें नसरुल्लाह उसका हाथ पकड़े देखा जा रहा है और अंजू इस दौरान बुरका पहने हुए दिखती है। यही नहीं, पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अंजू ने अपना नाम भी बदल फातिमा रख लिया है। तो अंजू बावी जार जो है वो समय पहुंच चुकी है पाकिस्तान, नंगा भूखमंगा देश। अगली एक और अपडेट, खालिस्तानियों ने एक बार फिर से भारतीय छात्र दूतावास पर हमला कर दिया, वो भी जानलेवा हमला रहा है। बड़ी खबर निकल के आ रही, चरमपंथी गतिविधियों का विरोध करने पर ऑस्ट्रेलिया में 23 वर्षीय एक भारतीय छात्र के ऊपर खालिस्तान समर्थकों ने हमला कर दिया, लोहे की छड़ से पीटा गया है। सिडनी के पश्चिम नगर मेलिलैंड से ये खबर निकल के आ रही, जहां पर एक छात्र को निशाना बनाया गया। 23 वर्षीय छात्र रहा जो सुबह किसी काम के लिए बाहर निकला था। इस बीच घटनास्थल पर हमलावरों में पहुंचकर जिहादी मानसिकता रखने वाले खालिस्तानी समर्थकों ने जमकर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और यहां तक कि भारत को लेकर भी आपत्तिजनक बातों का इस्तेमाल किया। साथ ही देखा जाए, इसमें 4 से 5 खालिस्तानी समर्थक रहे थे जिन्होंने हमला किया। वैसे बता दें, नागरिक कार से रहा था और कार से उतर कर चारों पांचों ने अचानक उस पर हमला किया। इस बीच देखा जाए, ये एक जानलेवा हमला रहा। अभी भी जिस तरह से हमला किया जा रहा है खालिस्तान में, आए दिन दूतावास हो या फिर वहाँ के नागरिकों, ये किसी भी तरह से सुरक्षित नहीं पाए जा रहे हैं। लगातार विदेशों में इस तरह से भारतीय लोगों के साथ हो रहा है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये एक मानसिकता हो सकती है? इस पर कोई कानूनी, एक नई आधिकारिक रूप से एक नई जांच होनी चाहिए या फिर इसके लिए नए कानून बनाने चाहिए? अपनी राय दीजिएगा। वो एक बड़ी खबर निकल के आ रही, पाकिस्तान की लगातार हालत खराब हो रही है। वैसे पाकिस्तान की हालत के बीच देखा जाए, इसका मेन असर अब फिर से पाकिस्तान की जनता पर पड़ने वाला है। दरअसल IMF के लिए पाकिस्तान फिर से फोड़ने जा रहा है जनता पर महंगाई का बम। 45% बढ़ा दी जाएगी महंगाई, बड़ी खबर निकल के आ रही है। भले ही पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से बेल आउट हासिल करने की समक्ष हो गया हो, लेकिन आगे की राह आसान नहीं होने वाली है। IMF को खुश करने के लिए पाकिस्तान को फिर से जनता पर महंगाई का एक नया बम फोड़ना होगा। पाकिस्तान में महंगाई की मार लगातार जनता झेलती आ रही है, लेकिन फिर से आम जनता की जेब पर बोझ बनकर फिर से एक बार महंगाई तूल पकड़ने वाली है। देखा जाए, लगातार महंगाई इसी तरह से बढ़ती रहेगी। अब पाकिस्तान सरकार गैस की कीमतों में 45% की बढ़ोतरी करने जा रही है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF की डिमांड है, उसके मुताबिक पाकिस्तान गवर्नमेंट बिजली दरों में भी खासकर बढ़ोतरी की और गैस दरों में भी बढ़ोतरी कर जल्द ही IMF के साथ उसकी योजनाओं में साझा करे और तब उसे लोन के लिए बेल आउट जो पास हुआ है वो किसी तरह से काम आएगा, नहीं तो ये पूरी तरह से मैनेजमेंट को ही फेल कर देगा। जहां अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और इसे आम जनता पूरी तरह से ग्रसित है। वैसे आपकी क्या राय है? वैसे देखा जाए, जहां एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, लेकिन अपनी दूषित मानसिकता से ये बचना नहीं चाह रहे हैं, लगातार ये दूसरे देशों के लिए राग बोते रहे। आपकी क्या राय इसको लेकर? अपनी राय दीजिएगा। वही बड़ी खबर निकल के आ रही है, यूक्रेन और रूस के युद्ध के बीच अब देखा जाए, खास तौर पर भूखमरी फैलाना चाह रहा है रूस।
बड़ी खबर निकल के आ रही है, यूक्रेन गेहूं के लिए जाना जाता है ये पूरी दुनिया जानता है, लेकिन इस बीच ये खबर निकल के आ रही कि यूक्रेन में भुखमरी लाना चाह रहा है रूस। आप देख रहे होंगे जिस तरह से माना जा रहा था कि रूस यूक्रेन का युद्ध हफ्तों में समाप्त हो जाएगा, लेकिन वही युद्ध 1.5 साल चल रहा है। तो ऐसे में रूस भी परेशान हो चुका है, और रूस परेशान होने के बीच ये करने की कोशिश कर रहा है किसी तरह से यूक्रेन के अन्न भंडार पर हमला कर दिया जाए। और देखा जाए हमला किया लेकिन उसमें कामयाब नहीं रहा, जमकर ताबड़तोड़ अटैक किए गए। देखा जाए रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव को बर्बाद करने की ठान ही रखी है। इस मकसद से देखा जाए मार्क्सेन क्यू पर फिर से हमले तेज हो चुके हैं। एक महीने के अंदर राजधानी क्यू पर देखा जाए तो रूसी सैनिकों ने छठी बार फिर से स्ट्राइक कर दी है। वहां ड्रोन ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। यूक्रेन के अधिकारियों के अनुसार रूस ने इस महीने यूक्रेन की राजधानी पर छठा हमला किया है। और देखा जाए जो भी ड्रोन गिराए जा रहे हैं वो खासकर निशाना केवल और केवल अन्न भंडार बनाया जा रहा है। वहीं देखा जाए हवाई आर्ट को लेकर भी एक बड़ा अलर्ट दिया जा रहा है, पूरी तरह से रास्ते बंद करने पड़ रहे हैं। हवाई जहाजों के लक्ष्य यही बनाए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द इन सबको खत्म कर दिया जाए। लेकिन जिस तरह से एयरलाइंस की सुविधा लगातार बाधित रही है, खासकर देखा जाए यूक्रेन में, ये कहीं ना कहीं देखा जाए आर्थिक संकट के लिए एक बड़ी वर्जा बन सकती है। वैसे आपकी क्या राय, जिस तरह से यूक्रेन और ना तो रूस पीछे हट रहा है, अपनी राय दीजिएगा। चलते एक बड़ी खबर निकल के आ रही है तालिबान से, बड़ी खबर निकल के आ रही है जहाँ पर ब्यूटी पार्लर को बंद कर दिया गया है। अब ब्यूटी पार्लर की बंद करने की वजह क्या है, आप साफ जान रहे होंगे कि लगातार जिस तरह से लगातार वहाँ पर महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनकी जो स्वतंत्रता उनको छीन ली जाती है। देखा जाए इसी खबर निकल के आ रही है तालिबान से, तालिबान संयुक्त राष्ट्र की परवाह बिना अफगानिस्तान में ब्यूटी पार्लर को बैन कर दिया गया है। तालिबान ने मंगलवार को ऐलान किया कि अफगानिस्तान में सभी ब्यूटी पार्लर बंद होने चाहिए क्योंकि एक महीने की समय सीमा समाप्त हो गई है। तालिबान के वर्चुअल एडवाइस मिनिस्ट्री मंत्रालय के प्रवक्ता सादिक अफीकी मेहजार ने यह बयान दिया और आदेश दिया है, बयान का अनुपालन करने पर ब्यूटी पार्लर के खिलाफ बल प्रयोग किया जाएगा। यानी देखा जाए ये दो तालिबान है, ये जो तालिबानी है ये अपने बल के ऊपर कुछ भी करने को तैयार है। अब देखा जाए अफगानिस्तान की महिला और लड़कियों के लिए अधिकारों व स्वतंत्रता पर पाबंदी लगाने की एक नया कड़ा कानून बना दिया गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि ये रोजगार नहीं, ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए है। किसी भी तरह से ब्यूटी पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है, जो प्रकृति ने दिया वो बहुत है। सार्वजनिक स्थलों पर ये एक बड़ी बात रखी जा रही है। वैसे ब्यूटी पार्लर सार्वजनिक स्थलों में आता था लेकिन अब इस्लाम में हराम बताकर इसे बंद किया जा रहा है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय दीजिएगा। लेकिन इस बीच जिस तरह से ब्यूटी पार्लर्स के रोजगार खत्म हो गए, ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है कि इसको ध्यान में रखना था। चलते एक और बड़ी खबर चीन से निकल के आ रही, जहां पर चीन के विदेश मंत्री गैंग लगातार एक महीने से ज़्यादा वक्त हो चुका आज लगातार लेकिन गायब चल रहे हैं। चीन के विदेश मंत्री किंग गैंग ने मंगलवार को आधिकारिक तौर पर उनके पद से हटा दिया गया। लगभग एक महीना गायब हो चुका था लेकिन अब उनको उनके पद से भी हटा दिया गया है। वहाँ पिछले एक महीने से गायब चल रहे थे। गैंग लगभग 10 वर्षों से इस पद पर थे। उनकी गैर मौजूदगी में कई हफ्तों की चुप्पी के बाद अब ये खबर निकल के आ रही कि मीडिया सुर्खियों के मुताबिक बताया जा रहा है कि उन्हें सार्वजनिक रूप से हटा दिया गया है। विदेश मंत्री के तौर पर अब नहीं रहे हैं गैंग। चलते एक और बड़ी खबर, मालदीव में भारतीय उच्चायोग को निशाना बनाकर आगजनी की गई, आतंक भड़काने की घटना सामने निकल के आ रही है, जमकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। भारत और मालदीव में सीमा पर आतंकवाद और देखा जाए लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वरूप ये देखने को मिल रहे हैं कि आगजनी भी हो रही है और इसकी निंदा भी की जा रही है क्योंकि दोनों देश देखा जाए नौसेना परीक्षण भी साथ किए थे। साथ ही दोनों देशों के रणनीतिक रूप से अहम हिंद महासागर में सुरक्षा बल बनाए गए, आतंकवाद रोधी सहयोग में एक साथ रहे हैं। भारत और मालदीव के बीच सोमवार को एक बार फिर से समझौते पर हस्ताक्षर हो चुका, यानी ये दोनों देश किसी भी तरह से और किसी भी देश को लेकर हिंसा नहीं चाह रहे, खुद ही सारे मैटर को सुलझा रहे हैं। अगर ऐसे सारे देश करना चाहें तो दुनिया में किसी भी तरह से सुरक्षा बल पर इतना पैसा ना खर्चा हो। लेकिन आपकी क्या राय है, क्या इसी तरह से सभी देश हो सकते हैं या नहीं। वही एक बड़ी खबर निकल के आ रही है अल्जीरिया से, जहां पर जंगल के बीच भीषण आग लगने से 25 लोगों की मौत की खबर है। आपको बता दें चले अल्जीरिया के जंगलों में भीषण आग लगी, इस मौके पर 25 लोगों की मौत हो चुकी है। यह आग तापमान की वजह से लगी हुई है और लगातार आग फैलती जा रही है। चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, समय भारत में खासतौर पर एक बड़ी खबर पॉपुलर हो रही है, सीमा हैदर और खासतौर पर सचिन को लेकर। और ये खबर क्यों पॉपुलर हो रही है और इस समय और भी ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है, क्योंकि एक बड़ी वजह है कि जहां एक तरफ से सीमा हैदर ने अपना देश पाकिस्तान छोड़कर भारत आई, तो वहीं दूसरी तरफ ये खबर निकल के आ रही है कि अब अंजू भी, भारत की रहने वाली राजस्थान की अंजू भी पहुंच चुकी हैं पाकिस्तान। वहां अपने प्रेमी से कर रही मुलाकात और उसके साथ फ़ोटो खिंचाकर भी पोस्ट की जा रही है और खास तौर पर नाम भी बदल लिया गया है।
नाम अंजू से फातिमा रखा गया है। कोर्ट में नसरुल्लाह ने निकाह भी कर लिया है। राजस्थान के भिवंडी में अपने पति और दो बच्चों को छोड़कर फेसबुक से मिले नसरुल्लाह से मुलाकात करने देखा जाए पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं। आप इन सबको किस तरह से देख रहे हैं? जिस तरह से आए दिन हर देशों में कुछ इसी तरह की खबरें निकल के आती हैं और इसी तरह से रवैये चल रहे हैं, इसको लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। इस खास बुलेटिन बस इतना ही, मिलेंगे आपको बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।